हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो नया रिकमेंड है वो कोडक महिंद्रा बैंक से है, और ये कोडक महिंद्रा बैंक का जो जॉब है आपको लोन डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, मतलब गोल्ड लोन का रिलेशनशिप ऑफिसर का आपका पोस्ट होगा। और इसमें कौन सा क्राइटेरिया है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एक आपका नॉलेज होना चाहिए, वो मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीडियर भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि उसको भी पता चले कौन सा जॉब कब आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक से जो रिकमेंड आया है ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपका जो जॉब डेजिग्नेशन होगा वो गोल्ड लोन रिलेशनशिप ऑफिसर का होगा, और यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी एज लिमिट दिया गया नहीं है, डिस्कस किया गया नहीं है। तो आप अप्लाई करिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा टोटली इंटरव्यू के माध्यम से होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के माध्यम से होगा। उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा। तो उसमें आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको जॉब जल्द से जल्द मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज देखिए, 25,000 प्लस आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। फिर भी आप सिलेक्शन होने के बाद ही आपको फाइनल सैलरी पैकेज आपको मिल जाएगा। तो आप पहले सिलेक्शन हो जाइए, उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगा। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कोई भी स्ट्रीम से, मतलब आप आर्ट्स से हो और कॉमर्स से हो और साइंस से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और आप डिग्री कर चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और क्या क्या स्किल अच्छे अच्छे होना चाहिए वो यहाँ पे मैं एक लिस्ट दिया हुआ हूँ, तो इसमें आपको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और मतलब आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, एफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, तो इसमें आपको स्किल होना चाहिए। और गुड नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग सर्विस में, और टीम वर्क होना चाहिए, मतलब आपको टीम को हैंडल करने का वर्क मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और गोल्ड मतलब गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए गोल्ड लोन के बारे में, ठीक है। तो इस स्किल में आप अच्छे हो तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और इसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, तो आपका लास्ट डेट का कौन सा रहेगा वो डिस्कस किया गया नहीं है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। कौन सा लास्ट डेट रहेगा मुझे भी अभी तक पता नहीं चला, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द, मैं यही कहूँगा। और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीडियर मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिखाने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बोलूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, और सिलेबस वगैरह और एडमिट वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिलता रहेंगे डेली बेसिस। तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होना है आपको, जस्ट इस लिंक में क्लिक करना है और लिंक में जाकर आप ज्वाइन होना है, ठीक है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दी ज्वाइन हो जाइए। और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीडियर आप देखिए, यहाँ पे देखिए तीनों लिंक दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, नोटिफिकेशन और अदर्स जॉब। अदर्स जॉब मतलब अदर्स कोई जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, और नोटिफिकेशन में जाकर आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन में अप्लाई ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो पहले आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन में भी क्लिक करके देख सकते हैं, इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, गोल्ड लोन रिलेशनशिप ऑफिसर का पोस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में जो दिया हुआ हो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप पूरा डिटेल्स ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएशन इज मस्ट, और गुड कम्युनिकेशन स्किल, और शुड हैव गुड कॉन्वर्सेशन स्किल, मतलब ये तीनों स्किल आपका हो जाए तो आप जरूर एलिजिबल हो पाएंगे। तो अप्लाई करने का प्रोसीडियर देखिए, अप्लाई नाउ में क्लिक करना, तो अप्लाई नाउ में जब क्लिक करेंगे सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल एड्रेस डालना होगा, तो आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपका मतलब ठीक से ईमेल एड्रेस डालिए, मैं डाल देता हूँ, कोई भी डाल देता हूँ, तो आपका जेन्युइन ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे गलत ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ तो इसलिए नहीं ले पा रहा है। तो आप जरूरी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए और बाकी डिटेल्स आप फिलअप करते रहिए। सिंपल प्रोसेस है, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन में आपको कोई भी मतलब टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आई होप पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि उसको भी पता चले एक नया जॉब आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आएगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और मैं डेली बेसिस ऐसे ही जॉब लेके आता हूँ, तो मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी चैनल में नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।